सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज मैं आप सबको अपना हॉस्टल टूर दूंगा। फर्स्ट ईयर MBBS वालों को थर्ड फ्लोर तक PG हॉस्टल अलॉट हुआ है। थर्ड फ्लोर के ऊपर PG रेसिडेंट्स रहते हैं। यहाँ 24/7 सिक्योरिटी भी अवेलेबल है और विदाउट ID कार्ड किसी को एंट्री नहीं मिलती। यहाँ टोटल 10 फ्लोर्स हैं। हर एक फ्लोर पर 10 फ्लैट टाइप्स रूम्स अवेलेबल हैं। यहाँ डॉक्टर्स और विजिटर्स के लिए सेपरेट लिफ्ट दी गई है। ये पूरा फ्लैट सिस्टम पर बेस्ड है। यहाँ वार्डन भी 24/7 हॉस्टल में ही रहता है। हमारी फर्स्ट ईयर MBBS वालों की मैस मंडेला हॉस्टल में होती है। ये बॉयज हॉस्टल की कुछ रोज की मस्ती, जहाँ कोई ना कोई एक नया बकरा पकड़ा जाता है। ये मस्तियाँ तो होती ही रहनी चाहिए। चलिए आइए रूम की ओर चलते हैं। शुरुआत के कमरों में 2 बच्चे रहते हैं। शुरुआत का कमरा 2 बच्चों को अलॉट किया गया है। फिर किचन की ओर आते हैं। किचन पूरा वेल इक्विप्ड है, साथ ही में RO भी इंस्टॉल किया गया है। आगे बाथरूम 5-स्टार गीजर के साथ मिलता है। नाउ अभी टाइम है अपना रूम दिखाने का। ये मेरा रूम है। हम इसमें 2 बैचमेट्स रहते हैं। रूम पूरा फुल एसेसरीज के साथ दिया गया है। मैट्रेसेस, पिल्लो, ब्लैंकेट, बेडशीट, ये आपको खुद ही लाना होता है। बाकी सब यही मिलता है। स्पेस पूरा सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। अलमीरा के अलावा भी आप देखेंगे स्टडी टेबल के ऊपर कबर्ड्स दिए गए हैं और साथ ही में ड्रॉर्स भी अवेलेबल है। रूम्स के बाहर कॉमन बालकनी भी है, जहाँ से मस्त विवेकानंद लाइब्रेरी का व्यू आता है। तो यही था आज का हॉस्टल प्लस रूम। मैस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी मंडेला हॉस्टल में लगती है, जिसका ब्लॉग मैं आगे अपलोड करूंगा। ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट टू माई YouTube चैनल।